होनी चाहिए। क्या बात, और मन में है जो बात, क्या बात, मन में है जो बात पूरी आज हो जाए। जय हो। अरे ए महात्मा, ए महात्मा, ए महात्मा बोल तो मैं क्या करूं कैसे, और चारों दिशा में मेरा परचम लहराए। जय हो। दुनिया ये मेरे हाथ में होनी ही चाहिए, क्या हुआ क्या, और सारे जहां में मेरा आदरणीय, आप इधर बैठ जाइए भैया, इधर बैठ जाइए आप, नहीं ठीक है वो, क्या है रंग में भंग नहीं होना चाहिए, अगर रंग में भंग हो जाए तो अच्छा नहीं रहता। और मन में है जो बात पूरी आज हो जाए। जय हो। ए महात्मा बोलो तो मैं क्या करूं कैसे, सारे जहां में मेरा परचम लहराए, 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 सारे जहां में मेरा परचम लहराए। हो दुनिया ये मेरे हाथ में होनी ही चाहिए, दुनिया ये मेरे हाथ में होनी ही चाहिए, दुनिया ये मेरे हाथ में होनी ही चाहिए, तकदीर मेरे हाथ में होनी ही चाहिए। सारे जहां में मेरा परचम लहराए, सारे जहां में मेरा परचम लहराए, सारे जहां मेरा परचम लहराए, सारे जहां में मेरा परचम लहराए, सारे जहां में मेरा परचम लहराए। तीसरे दिन जब राजा की नींद खुली तो अपने दरबार में थे, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और इधर कपटी मुनि आए, भोजन तैयार किया और मुनि ने भोजन में मांस के टुकड़े मिला दिए। जय हो। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, जो भोजन आप ग्रहण करने जा रहे हो उसमें मांस के टुकड़े मिले हुए हैं। जय। अगर आप भोजन करोगे तो आपका धर्म और पुण्य चले जाएंगे। क्या बात। सभी ब्राह्मण भोजन की थाली पर से उठ गए और राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि हे राजा, हाँ, तुम्हारी प्रवृत्ति दैत्यों के समान है, जाओ अगले जन्म में तुम दैत्य बनोगे। वही भानु प्रताप राजा अगले जन्म में रावण बने। तो देखिए क्या हुआ क्या, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भैया, जालिमा कोका कोला पिला दे धुन, एक धुन निकली थी। लेकिन आपकी बात मेरी भरमस्त कर देना,
और 51 रुपए का आशीर्वाद विष्णु भैया ये आशीर्वाद दे रहे हैं और इनकी फरमाइश बस इस धुन के बाद पूरी कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, आए सभी ब्राह्मण, सत्कार हो रहा है। और आए सभी ऋषि वर फिर भोजन की परसी थाल। जय हो। सभी भोजन करने के लिए आए और राजा ने सत्कार किया। क्या हुआ? क्या? और आए तभी ऋषि वर फिर भोजन की परसी थाल। क्या? अरे जालिमा, और जालिमा कैसा जाल बिछावे। आइए, भैया ने 3-4 बार कह दिया तो फरमाइश उनकी पूरी कर दूं।